नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से नाराज होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इंटरमीडिएट मेधा घोटाला में पटना की विशेष अदालत ने तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार समेत 6 गवाहों के खिलाफ वारंट जारी किया। और मौसम विभाग ने बांका और गोपालगंज जिले में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश। श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्री मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री के कैबिनेट सहयोगियों को शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विपक्षी दल के नेता, कला और उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां उपस्थित हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के साथ साथ अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले रहे हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में बिहार एनडीए के कई नेताओं को शामिल किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक निवर्तमान केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बताया कि घटक दल से एक एक सांसद को केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान को मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे, आर के सिंह मंत्री पद की शपथ लेंगे। इधर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मांग के अनुरूप प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। किशनगंज संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। लोकसभा चुनाव में राज्य की 40 सीटों में केवल किशनगंज सीट पर महागठबंधन को जीत मिली थी। वर्ष 2016 के इंटर परीक्षा परिणाम और मेधा सूची घोटाले के मामले में पटना की विशेष अदालत ने 6 गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है उनमें तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, इंटर काउंसिल के अपर निदेशक राजीव प्रताप सिंह और काउंसिल के अन्य कर्मचारी शामिल हैं। आरोप तय होने के बाद अभियोजन की गवाही के लिए लगभग 1.5 वर्षों से मामला लंबित है। अब तक सिर्फ 3 गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद किया जा सका है। गौरतलब है कि परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी और मेधा सूची में अनियमितता के मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिन्हा, सचिव हरिहर नाथ झा और एक निजी कॉलेज के संरक्षक बच्चा राय समेत 38 लोगों के खिलाफ मामला लंबित है। पटना स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी संगठनों को हथियार सप्लाई करने के मामले में मणिपुर निवासी एक अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पूर्णिया जिले के बायसी थाना में उसके खिलाफ उग्रवादी संगठनों को हथियार उपलब्ध कराने का मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले में आज अभियुक्त की न्यायालय में पेशी हुई, जिसके बाद 18 जून तक उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पश्चिम चंपारण जिले के साठी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार जाली नोट के कथित तस्कर से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कल राम परसौना गांव में छापेमारी कर राकेश चौधरी को गिरफ्तार किया था। पूर्व में भी उस पर जाली नोट के तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में विभिन्न केंद्रीय जेलों और मंडल कारा में आज एक साथ की गई छापेमारी में कैदियों के वार्ड से आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में की गई छापेमारी में विभिन्न कैदियों के वार्ड की तलाशी ली गई। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा कि जिन जेलों में आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं उनके जेलरों के खिलाफ लापरवाही बरतने के मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से पीड़ित 8 बच्चों का श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील शाही ने बताया कि इनमें से 4 बच्चों की हालत गंभीर है। उन्होंने बताया कि इंसेफ्लाइटिस बीमारी के इलाज की गाइडलाइन के अनुसार ही बच्चों का इलाज किया जा रहा है। श्री शाही ने बताया कि खून जांच की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि ये बच्चे जापानी इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित हैं
या नहीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका गोपालगंज जिले में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी आशंका है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम के रुख में अचानक होने वाले परिवर्तन के मद्देनजर संबंधित क्षेत्र के लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। इधर पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में कई स्थानों पर तेज गरज के साथ बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कटिहार मधेपुरा सुपौल किशनगंज भागलपुर और खगड़िया में 7 मिलीमीटर से 55 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 55 मिलीमीटर बारिश कुर्सेला में रिकॉर्ड की गई। इधर पूर्वी हिस्से को छोड़कर राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पटना गया सहित कई अन्य शहरों में लू जैसे हालात बने हुए हैं। गर्म हवा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अरवल जिले में सोन नहर में पानी नहीं आने के कारण किसान धान की का बिचड़ा नहीं डाल पा रहे हैं। क्षेत्र के किसानों ने राज्य सरकार से सोन नहर में पानी छोड़े जाने की मांग की है। 12वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया। विश्व कप का पहला मुकाबला लंदन में मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 280 रन बना लिए हैं। इधर भारत विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के साथ करेगा। 16 जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय टीम अपनी ताकत दिखाएगी। औरंगाबाद लखीसराय और पश्चिम चंपारण जिले में आज अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवकली मोड़ के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 139 पर ट्रक की चपेट में आने से एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने कई घंटों तक औरंगाबाद पटना मार्ग को जाम कर दिया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजा राशि का चेक दिए जाने के बाद लोग शांत हुए। इधर लखीसराय जिले के तेतरहाट थाना क्षेत्र के खैरा गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। गया जिले के डोबी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरबदन गांव में जहरीली चाय पीने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। पुलिस ने बताया कि चाय बनाने के दौरान भूलवश युवती ने कीटनाशक डाल दिया था। कटिहार जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने बाल श्रम के मामले में 2 आरोपियों को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। निजाम अहमद और मोहम्मद मुर्तजा को 5 बच्चों को एक फैक्ट्री में बाल श्रम के लिए ले जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। शिवहर जिले में उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश ने एक आरोपी को शराब रखने के मामले में 5 साल जेल और 1 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इधर अररिया जिले में जिलाधिकारी ने 7 निश्चय योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 अभियंताओं के वेतन पर रोक लगा दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद अपने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से नाराज होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया। इंटरमीडिएट मेधा घोटाला में पटना की विशेष अदालत ने तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार समेत 6 गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। और मौसम विभाग ने बांका और गोपालगंज जिले में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Abhishek Kumar. NDA leader Prime Minister Narendra Modi will take the oath of office and secrecy along with a new council of ministers for his second consecutive term. President Ramnath Kovind will administer the oath of office and secrecy to the Prime Minister and his council of ministers at a glittering ceremony beginning at 7 p.m. at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. The leaders of the BIMSTEC member states have arrived in New Delhi to attend the swearing-in ceremony.
India has invited the BIMSTEC leaders, keeping in view government's focus on its neighborhood first policy. The function will also be attended by governors, chief ministers, opposition leaders, corporate heads, firm stars and foreign envoys. Over 6,000 guests are expected to attend the ceremony. All India Radio Delhi will broadcast live the swearing-in ceremony of the Prime Minister. It can be heard on Rajdhani and FM Rainbow channels from 6:55 p.m. AIR Delhi will also mount a special program before the swearing-in ceremony, which can be heard from 6:30 p.m. News Services Division will broadcast a live bilingual program on the swearing-in ceremony of the Prime Minister. Tune in to the FM Gold and Rajdhani channel of All India Radio at 9:15 tonight to listen to this special discussion. The founder of YSR Congress Party, Y.S. Jagan Mohan Reddy, was sworn in as the Chief Minister of Andhra Pradesh today. Governor E.S.L. Narasimhan administered the oath of office in a ceremony at the Indira Gandhi Municipal Stadium in Vijayawada. Our correspondent reports that in the presence of a large number of his followers who came there to witness his swearing-in ceremony, Jagan Mohan Reddy put his first signature on the file hiking social security pensions from next month. In his maiden address as Chief Minister, he said he will give a corruption-free administration. Mr. Reddy also announced that he would create 1,60,000 jobs by October this year and fill up 4 lakh gram volunteers from August 15th. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Y.S. Jagan Mohan Reddy and assured him of full cooperation from the centre. In Jammu and Kashmir, 2 unidentified terrorists were killed in a gunfight with security forces in Dangarpura village of Sopor area in North Kashmir's Baramulla district today. Security sources said the bodies have been retrieved, adding that the identity and group affiliation of the slain are being ascertained. Arms and ammunition were also recovered from the encounter site. There was no report of any casualties on forces' side during the operation. Robert Vadra, the brother-in-law of Congress President Rahul Gandhi, appeared before the Enforcement Directorate today in connection with a money laundering case linked to purchase of alleged illegal assets abroad. Vadra's statement will be recorded under the Prevention of Money Laundering Act. Vadra has appeared before the agency multiple times in the past in this case. The agency recently sought cancellation of the anticipatory bail given to Vadra and has also opposed his foreign travel. A local court had on Wednesday reserved for Monday its order to allow Vadra to travel abroad. The Calcutta High Court today granted protection to West Bengal CID Additional Director General Rajiv Kumar from arrest till 10th July in the Sarada Chit Fund scam case. The vacation bench of the court, while granting him a month's protection, directed Kumar to deposit his passport within 24 hours. Israeli lawmakers voted to dissolve parliament and hold fresh elections after Prime Minister Benjamin Netanyahu failed to form a coalition before a midnight deadline. He became the first prime minister designate in Israel's history who was unable to form a government. In a little more than 6 weeks since they were elected, Israeli lawmakers voted 74 to 45 in favor of dissolving the 21st Knesset Israeli parliament. The repeat general elections will be held on September 17. The 12th edition of the ICC Cricket World Cup began in the United Kingdom this afternoon. In the opener at London, host England were 256 for 5 in 42.4 overs against South Africa when reports last came in. South Africa won the toss and elected to field. India will begin its campaign against South Africa on Wednesday at Southampton. And that is the end of this news bulletin.